इसमें जो है आपको इसका गियर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी कम्प्लीकेटेड देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह की स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तीन गियर जो है कंपनी आपको ऑफर करती है, जिसके अंदर आपको रिवर्स फॉरवर्ड गियर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा थ्रेशर है जिसमें आप भूसा को दोनों तरफ गिरा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है भूसा के सुपर सेट लगे हुए हैं। इसमें जो है आप भूसा को इस साइड भी गिरा सकते हैं, साथ में हवा अपोजिट दिशा या दिशा बदलने से जो है आप थ्रेशर को ना घुमा के इसके ये वाले सूपा को खोल के जो है भूसा को अपोजिट दिशा भी में गिरा सकते हैं। तो ये यहाँ पर कृषि दर्शन ने जो है आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको दाना वगैरह फिल्टर करना रहता है, जैसे कि धान वगैरह होती है, उसको जब फिल्टर करना होता है, उससे डंठल निकालना होता है, तो यहाँ पर भैया कटिंग करके जो है कंपनी ने नहीं दिया, प्रॉपर तरीके से सूपा लगा के इसमें दिया हुआ है, जो कि किसान डायरेक्ट जो है सूपा तसला के माध्यम से इसमें दाना डाल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की फिर एक नई शानदार वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर कृषि दर्शन की तरफ से आने वाले 4 फैन मल्टीक्रॉप थ्रेशर की जो है हम आपको बहुत शानदार और एकदम डिफरेंट जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड में देखने मिलती है। सबसे पहले इसके हम डिफरेंट और शानदार फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं, कंपनी ने इसमें मल्टी गियर के अंदर जो है यहाँ पर गरारी जो है इसकी डिज़ाइन की हुई है, जिससे जो है आप अपनी फसलों के हिसाब से इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है आपको इसमें इसको फंसाने के लिए भी जो है इसमें हिच जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी एकदम डिफरेंट फिटिंग के साथ में दी हुई है। साथ ही इस थ्रेशर में आपको ऐसे ऐसे शानदार फीचर्स मिलते हैं जो कि इंडिया के अंदर अभी कोई भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर आपको उपलब्ध नहीं कराती। दोस्तों, इसमें यदि हम बात करें इसके सुपर सिस्टम की गीली फसलों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि दर्शन ने जो है इसमें गीली फसल को डालने के लिए सेपरेट सुपर सिस्टम यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे जो है आप इस सुपर सिस्टम के माध्यम से सेपरेट गीली फसलों को उगा सकते हैं। साथ ही इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के सहायता से आप गीली से गीली और सूखी से सूखी फसलों को उगा सकते हैं। गीली फसलों के लिए तो कंपनी ने ये सेपरेट सूपा लगाया हुआ है। साथ ही इसमें हम बात करें यदि गीली फसलों को लेके, अब हमने बात कर ली सूखी फसलों के लेके बात करें, तो यहाँ पर सूखी फसलों को उगाने के लिए कंपनी ने जो है इसमें आपको हॉपर सिस्टम लगा के दिया हुआ है। इस हॉपर सिस्टम के माध्यम से जो है आप इसमें सूखी फसल को उगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको इसमें देख सकते हैं कंपनी ने कितनी ज़्यादा मजी हुई एकदम हैवी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग फिटिंग के साथ में आने वाली 5 तरह की शाफ्टों की जो है इसमें फिटिंग की हुई है, जिसके अंदर आपको 3 तरह की स्पीड देखने के लिए मिलती है, जिससे आप इस थ्रेशर को 1 नंबर डाल के रिवर्स, 1 नंबर डाल के 2 नंबर डाल के रिवर्स और 3 नंबर भी में जो है आप इस गियर के माध्यम से इस थ्रेशर को रिवर्स में और साथ ही में फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ आगे भी 3 गियर स्पीड और पीछे भी 3 तरह की गियर स्पीड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं एकदम हैवी ड्यूटी कंपनी ने यहाँ पर जो है आपको इसमें गियर बॉक्स लगा के दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको रिवर्स और फॉरवर्ड स्पीड देखने के लिए मिलेगी। साथ ही एक और शानदार फीचर्स की बात करें जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी आज तक बदलाव नहीं किया, वो कि कृषि दर्शन ने आज करके दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है जब हमारी धान गेहूं गह जाती है, फसल आ जाता है, दाना आ जाता है, तो उस दाने की ग्रेडिंग या फिल्टर करने के लिए कंपनी ने जो है यहाँ पर कट वाला सिस्टम मार के नहीं दिया, चद्दर नहीं बचाई, लोहा नहीं बचाया, पैसा नहीं बचाया। यहाँ पर आप देखिए किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए बहुत ही शानदार तरीके से सूपे की फिटिंग करके दी हुई है, जिससे जो है आप अधिक से अधिक दाना डाल पाएंगे। साथ में इससे जो दाना डालने में सहूलियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपका दाना एक भी नीचे नहीं गिरने वाला, जैसे कि दूसरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ पर भी जो है कंपनी ने आपको देख सकते हैं साइड स्टैंड उपलब्ध कराया हुआ है। साथ ही इसमें और भी ज़बरदस्त फीचर्स की यदि हम बात करें तो कई बार दोस्तों ये देखा गया है जब हमारे किसान खेत में फसलों की गहाई करते हैं तो उस समय जब हमारी हवा थ्रेशर चल रही होती है तो हवा जो है जब अपोजिट दिशा में पलट जाती है तो पूरी थ्रेशर को घुमाना पड़ता है। उसके लिए कृषि दर्शन ने बहुत शानदार इसमें सिस्टम किया हुआ है, जब हवा अपोजिट दिशा में पलट जाती है तो आपको थ्रेशर पलटाने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ आप उस साइड के सूपा बंद करके इस साइड का सूपा खोल दीजिए, वही जो भूसा है उस साइड की जगह इस साइड से आने लगेगा। और यही सिस्टम दाने के अंदर भी कंपनी ने किया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं, दाने भी जो है आप यहाँ, यदि अपोजिट दिशा में हवा हो गई है तो दाना भी जो है आप इस साइड गिरा सकते हैं। साथ में एयर सर्कुलेशन को, दाना को शुद्ध साफ सुथरा पाने के लिए एयर सर्कुलेशन सिस्टम एडजस्टिंग पॉइंट के साथ में लगा है, जिससे आप इसमें हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उस साइड में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि दाना जो है उसको गिराने के लिए भी यहाँ पर सिस्टम दिया है, मतलब दाना भी जो है आप इससे दोनों तरफ गिरा सकते हैं, साथ में भूसा भी दोनों तरफ गिरा सकते हैं। साथ में जो छोटा मोटा डंठल छिकला होता है उसको कंपनी ने लास्ट स्टेज में आने के बाद, जब दाना फिल्टर होने के बाद लास्ट से लास्ट स्टेज में जब छोटा मोटा भी कचरा भूसा बचता है तो उसको निकालने के लिए कंपनी ने एयर सर्कुलेशन सिस्टम के साथ में यहाँ सूपा लगाया है, जो कि हवा के माध्यम से निकल के बाहर हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इसमें डंठल वगैरह निकालने के लिए सेपरेट हॉपर सिस्टम दिया हुआ है, सुपर सिस्टम दिया हुआ है, जिससे जो है दाना बड़ी सफाई के साथ में डंठल वगैरह जो बचता है यहाँ से डंठल वगैरह जो है वो बाहर आ जाता है। साथ ही ये जो थ्रेशर है आपको किसी भी तरह से छोटे और बड़े से बड़े ट्रैक्टर में चल सकती है। इसको जो है कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है, शानदार प्रोडक्ट बनाती है और किसानों की डिमांड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट बना के देती है। इसको जो है आप 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में बड़े आराम से चला पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।